गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बच्चों, लास्ट की वीडियो तक हम लोग बात कर रहे थे प्रवाल और प्रवाल भित्तियों की, कोरल एंड कोरल रीफ्स की बात कर रहे थे। आज हम लोग बात करने वाले हेलमिंथ प्राणियों के आर्थिक महत्व की। हेलमिंथ प्राणियों का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ हेलमिंथ्स। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ हेलमिंथ्स, हेलमिंथ्स की यदि बात की जाए, तो हेलमिंथ्स को हम लोग जब नॉन कॉर्डेटा अकशेरुकी जंतु पढ़ते हैं तो दो संघों में विभाजित करते हैं। पहला होता है प्लेटी हेलमिंथीज, सेकंड होता है एसके हेलमिंथीज। ठीक है ना, प्लेटी हेलमिंथीज में यदि रेफरेंस एनिमल्स की बात की जाए, रेफरेंस एनिमल सबसे बढ़िया होता है टीनिया। ठीक है ना, टीनिया, इसकी यदि बात की जाए तो एस्केरिस क्या होता है, इसका मेन एग्जांपल होता है। यदि इसके क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो इसको तीन क्लासों में, और प्लेटी एस्के हेलमिंथीज को दो क्लासों में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। एस के एलिमेंट्स, एस के का एक्चुअली मतलब था राउंड, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग राउंड वन, फ्लैट प्लेटी एलिमेंट्स। ठीक है ना, प्लेटी का मतलब था फ्लैट, टीनिया को इसीलिए बोलते हैं हम लोग फ्लैट वर्म या टेप वर्म। ठीक है ना, फ्लैट वर्म या टेप वर्म बोलते हैं। ठीक है ना, तीन क्लासों की यदि बात किया तो फर्स्ट क्लास थी इसमें टर्बिलेरिया, ठीक है ना। सेकंड क्लास की यदि बात किया तो सेकंड क्लास थे सेस्टोडा, थर्ड क्लास की यदि बात की जाए, थर्ड क्लास थे ट्रेमेटोडा, इसमें हमने दो क्लास में बांटा था इसको, एस्केलमेंटी इसको हमने दो क्लास में बांटा था। फर्स्ट क्लास थी ए फेजमेडा, सेकंड क्लास थी फेजमेडा। ठीक है ना, ये फेजमेडा और फेजमेडा। अब हमको क्या करना है, इनका मोस्टली बेनिफिशियल इफेक्ट तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ये क्या होता है ज़्यादातर हानिकारक प्रभाव, या कह सकते हैं हार्मफुल इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं हार्मफुल इफेक्ट को शो करते हैं ये, इसीलिए दौरा को मिलाकर हम लोगों ने बोल दिया। हेलमिंथ का भी मतलब मैं बताया था थोड़ा, हेलमिंथ का मतलब होता है वर्म लाइक, क्रमी समान, ठीक है ना। इस प्रकार के जंतु होते हैं, हानिकारक इफेक्ट था तो मुख्य रूप से क्या करेंगे, मनुष्य में या अन्य जंतुओं पर, क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार के रोग करेंगे। विभिन्न प्रकार के
रोग करेंगे तो रोग करने में कुछ, जैसे हम लोग बात करते हैं फेसियोला की बात करते हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर मुख्य रूप से हम उत्सर्जन की बात की थी हमने, तो फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं, इसी के आधार पर इसका नाम रखा गया फेसियोला, ठीक है ना। तो ये यकृत का जो लीवर, सॉरी भेड़ का जो लीवर होता है, लीवर होता है, यकृत होता है भेड़ का, ठीक है ना, उसके ऊपर क्या होता है, परजीवी के रूप में पाया जाता है, परजीवी के रूप में पाया जाता है, और उससे यकृत के लीवर से क्या करता रहता है, रक्त को चूसता रहता है, ब्लड को सक करता रहता है, इससे कुछ समय पश्चात भेड़ की मौत हो जाती है, ठीक है ना। यदि बात की जाए पॉलीस्टोमा की, बात की जाए पॉलीस्टोमा क्या होता है, एक हेलमिंथ का प्राणी है, हेलमिंथ प्राणी है, जो कि क्या करता है, मेंढक हो गया, भेड़ हो गए, कछुए हो गए, इनका जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, इनका जो मूत्राशय होता है, यूरिनरी ब्लैडर, जिसके अंदर यूरिन को स्टोर किया जाता है, इस पे परजीवी के रूप में पाया जाता है, इस पे परजीवी के रूप में पाया जाता है, ठीक है ना। यदि टीनिया स्लेजलेटा की बात की जाए, जैसे कि हमने ऊपर लिखा हुआ है टीनिया, कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, ठीक है ना, फ्लैट वर्म, एक होता है टीनिया सोलियम, एक होता है टीनिया स्लेजलेटा। टीनिया स्लेजलेटा की यदि बात की जाए तो गौमांस जो होता है, ठीक है ना, गाय का जो मांस होता है, इसके ऊपर क्या पाया होता है, ये पाया जाता है, गाय के जो मांस होता है इसके ऊपर ही टीनिया स्लेजलेटा पाया जाएगा। टीनिया सोलियम की यदि बात की जाए तो ये पोर्क वर्म, जो सुअर का मांस होता है, इसके ऊपर ही पाया जाता है, और मनुष्य में टीनियसिस डिजीज को करेगा। इसी प्रकार से हम लोग बात कर सकते हैं एस्केरिस की भी बात कर सकते हैं, जो कि ये है, ठीक है ना। एस्केरिस क्या करते हैं, गोलकृमि हमने इसको बोला है, ये शिशुओं में अधिक रोग करता है, शिशुओं में क्या करेगा, अधिक रोग करेगा, जिससे जो इंटेस्टाइन होती है, ह्यूमन चाइल्ड की इंटेस्टाइन आंत्र जो होती है, वो उसमें क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, उसमें सूजन आ जाती है, जिससे क्या होगा, बच्चों में चक्कर आ सकते हैं, पेट दर्द हो सकता है, बुखार जैसे लक्षण हो सकते हैं, ठीक है ना। एक वाउचेरिया ब्रैंकोफ्टाई का भी आपने कई बार नाम सुना होगा, जो कि गंदे पानी में वगैरह में पाया जाता है, जिससे कि जो बॉडी के अंदर यदि कट होता है कहीं पर भी, कट से क्या कर जाता है, शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, इससे जो व्यक्ति का जो पाँव है वो हाथी के समान सूज जाता है, हाथी के पाँव के समान सूज कर फूल जाता है। इसी प्रकार से लोआ लोआ करता है, आँखों में सूजन करता है, ठीक है ना, और आँखों से पानी आने लग जाता है। तो ये क्या होती है, कुछ मुख्य डिजीज़ होती हैं जो कि हेलमिंथ के प्राणियों के द्वारा की जाती है। तो इसमें फर्स्ट है पॉलीस्टोमा, पॉलीस्टोमा, पॉलीस्टोमा की हमने बात की, तो पॉलीस्टोमा के लिए हमने अभी बोला ये कहाँ पे पाया जाएगा, मेंढकों, भेड़ों और कछुओं के जो मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर होता है, इसके ऊपर ये परजीवी के रूप में, अंतः परजीवी के रूप में पाया जाता है पॉलीस्टोमा। पॉलीस्टोमा मेंढक, भेड़ व कछुओं पर, कछुओं पर, कछुओं के मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर पर अंतः परजीवी के रूप में, अंतः परजीवी के रूप में पाया जाता है, ठीक है ना, अंतः परजीवी के रूप में पाया जाएगा, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। सेकंड नंबर पे यदि बात किया तो सेकंड नंबर पे हम लोग बात कर सकते हैं फेसियोला की, ठीक है ना, फेसियोला हिपेटिका जो होता है, सेकंड नंबर पे आता है फेसी ओला, फेसी ओला, ठीक है ना। ये क्या होता है, जब भेड़ होती है, भेड़ के यकृत पे क्या होता है, अंतः परजीवी एंडोपैरासाइट के रूप में पाया जाता है, फेसियोला, फेसियोला, भेड़ के
यकृत पर अंतः परजीवी एंडोपैरासाइट के रूप में पाया जाता है। ठीक है ना। लिवर फ्लूक इसीलिए इसको बोला जाता है, तथा तथा यकृत से रक्त को चूसने का कार्य करता है। ठीक है ना। रक्त को चूसने का कार्य करता है। कुछ समय पश्चात क्या होगी, इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए बोलते हैं इसको लिवर फ्लूक, इसीलिए इसको बोलते हैं लिवर फ्लूक। थर्ड नंबर पे यदि बात की जाए तो ये क्या होता है, सिस्टिसोमा हो सकता है एक। सिस्टिसोमा ये क्या, किस पे, मनुष्य और अन्य जंतुओं पर क्या होगा, ब्लड सकिंग होगा और एंडोपैरासाइट के रूप में पाया जाएगा, अंतः परजीवी के रूप में पाया जाएगा मनुष्य व अन्य जंतुओं पर। मनुष्य व अन्य जंतुओं पर अंतः परजीवी के रूप में अंतः परजीवी के रूप में पाया जाता है। ठीक है ना। अंतः परजीवी के रूप में पाया जाता है। फोर्थ नंबर पे यदि बात की जाए, फोर्थ में हम लोग बात कर सकते हैं टीनिया स्लेजनेटा की। हमने बात की थी गाय के मांस के ऊपर पाया जाएगा। टीनिया स्लेजनेटा, ठीक है ना। यह है गाय के मांस पर, गाय के मांस पर पाया जाता है। ठीक है ना। जैसे नॉर्मली भाषा में हम लोग बात करते हैं फीता कृमि बोलते हैं, टेप वर्म बोलते हैं। फिफ्थ नंबर पे आता है हमारे पास टीनिया सोलियम, जो कि पोर्क वर्म बोलते हैं, सुअर के मांस पे पाया जाता है टीनिया। टीनिया सोलियम, ठीक है ना। टीनिया सोलियम की यदि बात की जाए तो सामान्य फीता कृमि के रूप से जाना जाता है और मनुष्य के अंदर टीनियसिस रोग करता है। यह है सुअर के मांस, पोर्क बोलते हैं, पर पाया जाता है तथा मनुष्य में टीनियसिस रोग, टीनियसिस रोग उत्पन्न करता है। ठीक है ना। नॉर्मल क्या बोलते हैं हम लोग,
टेप वर्म, इसे नॉर्मल भाषा में क्या बोला जाता है, टेप वर्म कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।